بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dear students, welcome to all of you in the online class of FEI. Today we will discuss the third equation of motion of the chapter motion, and it will be the lecture number 7. Dear students, हम discuss कर रहे थे equations of motion. उसमें हमने first और second equation of motion मैथमेटिकली डिराइव किए हैं. आज हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे और इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है वो हम आज डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है? यस, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी. एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यस, एनीवन हु नोज रेज योर हैंड. एब्सोल्यूटली राइट, s equal to ut plus half of at square. Now, the third equation of motion. Dear students, third equation of motion is v square minus u square plus 2as. v square minus u square equal to 2as. यहाँ पे 2as है, ये यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है, इक्वल टू साइन है. यहाँ पे v square minus u square इक्वल टू 2as. ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको स्टूडेंट्स याद रखने हैं. अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. दिस इक्वेशन गिव्स द वेलोसिटी गेन्ड बाय अ बॉडी इन ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस s. और ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये वेलोसिटी जब एक बॉडी मोशन में होती है, वो जो वेलोसिटी गेन करती है, वेलोसिटी एक्वायर करती है आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, वो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं. अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हमें देती है? वेलोसिटी एक्वायर बाय बॉडी आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस से एस ऑफ टाइम टी. नाउ ये डिराइव कैसे की जाती है? डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमने डिराइव की है. ऑल्सो यू नो स्टूडेंट्स दैट एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम. एंड चेंज इन वेलोसिटी, यू नो दैट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम. सो यहाँ पे एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या बनेगी? v minus u divided by t. This a represents acceleration and v represents final velocity and u represents initial velocity and this t represents time. So acceleration is change in velocity with time, yeah, per unit time. So a equal to v minus u divided by t. Agar students hame is equation se time nikalna ho, so we can take it like this, t equal to v minus u by a. ये a यहाँ पे t की जगह पे आएगा, वो t a की जगह पे. so t equal to v minus u by a. अब students, t का वैल्यू आपको याद रखना है, क्योंकि इस t का वैल्यू हमें इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s equal to ut plus 1 by 2 a t square इसमें हमें पुट करना है. किसका वैल्यू? t का वैल्यू. किस इक्वेशन में? इन दिस सेकेंड इक्वेशन t की जगह पे इसका वैल्यू हमें पुट करना है, v माइनस यू बाई ए. सो स्टूडेंट्स, द इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस 1 बाई 2 ए टी स्क्वायर. सो s इक्वल टू u, अब u अपना ही u, t का वैल्यू v माइनस यू बाई ए प्लस 1 बाई 2 ए t स्क्वायर. t का वैल्यू v माइनस यू डिवाइड बाई ए, तो स्क्वायर है t का, तो होल स्क्वायर आएगा. और स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखना, ये जो स्क्वायर है यहाँ पे, ये a को भी स्क्वायर और v माइनस यू को भी स्क्वायर है. ठीक, सो s इक्वल टू यहाँ पे इस u से इस जो ब्रैकेट में है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. सो वी गेट u इंटू v यू वी माइनस u इंटू यू यू स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस 1 बाई 2 और ये a अपना ही a v माइनस यू होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर. यू नो दैट
ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। सो यहाँ पे वी माइनस यू होल स्क्वायर क्या बनेगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी। ए है यहाँ पे वी और बी है यू, सो वी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू यू वी। और ये ए जो है इसका भी ए स्क्वायर है, ये ए को भी ए स्क्वायर है, इसीलिए ए स्क्वायर आएगा यहाँ पे। सो एस इक्वल टू यहाँ पे स्टूडेंट्स यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस वन बाई टू ए ब्रैकेट स्टार्ट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू वी डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये जो यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए जो है इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे यहाँ पे और डिवाइड भी करेंगे, यानी डिवाइड जो है उसको भी हम यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वी मल्टीप्लाई बाई टू टू द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेट यानी न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे टू से। सो जब इस यू वी माइनस यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जाएगा टू से, यू वी गेट टू यू वी, यहाँ पे टू यू वी माइनस इसको भी टू से मल्टीप्लाई करना है, टू यू स्क्वायर बनेगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं इस को टू से। और ये जो ए है इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे टू से, तो वी गेट टू ए प्लस ये जो यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी, ये अपना ही है, तो ये टू ए जो है ये यहाँ पे आएगा, यानी वन ये डिवाइड है यहाँ पे, टू ए यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि जब वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी को मल्टीप्लाई वन से किया जाएगा तो ये यही आएगा और टू ए स्क्वायर यहाँ पे आएगा। और उसके बाद जब यहाँ पे टू ए स्क्वायर आएगा, ये ए स्क्वायर यहाँ पे जो स्क्वायर है और यहाँ पे जो ये ए है ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका स्क्वायर और ये ए, ठीक है, इस ए और ये जो ये भी स्क्वायर है ये आपस में यानी कैंसिल इस हो जाएगा, ये दो स्क्वायर और ये ए कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे टू ए आएगा। फिर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे फिर से तवज्जो रखिएगा, हमने इसको टू से मल्टीप्लाई किया और इस ए को भी टू से मल्टीप्लाई किया, वो क्या आ गया टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए, ठीक है, और ये जो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी ये अपना ही है और ये टू जो है ये इसको है, यानी टू ए यहाँ पे मैंने लाया क्योंकि ये ए और ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर ये स्क्वायर और ये ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे टू ए ही रहेगा, ठीक। तो उसके बाद एस इक्वल टू टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी डिवाइड बाई टू ए। हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिस हमने आप सेम लिए, बेसिस सेम तो पावर्स एड होते हैं, तो इसीलिए टू ए यहाँ पे। सो टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी डिवाइड बाई टू ए। एस इक्वल टू यहाँ पे टू यू वी प्लस यहाँ पे टू यू वी माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे जो टू यू स्क्वायर ये माइनस है और यहाँ पे प्लस यू स्क्वायर, तो माइनस टू यू स्क्वायर को प्लस ए यू स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, यू वी गेट माइनस यू स्क्वायर और प्लस अपना ही वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, टू ए एस एस को हम टू ए से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मैंने पहले यहाँ पे वी स्क्वायर लिखा और अपना ही यू स्क्वायर, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। तो यही हमें डिराइव करना था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, हेंस डिराइव दिस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको कुछ बातें यहाँ पे याद रखनी है कि इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट इज यू इक्वल टू जीरो, अगर एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करेगी यानी वो रेस्ट में होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी मीन्स यू स्टार्टिंग वेलोसिटी, यू इक्वल टू जीरो, यू रिप्रेजेंट द इनिशियल वेलोसिटी। इफ ए बॉडी कम्स टू रेस्ट इट इज वी इक्वल टू जीरो, अगर बॉडी रेस्ट में आएगी यानी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसको कुछ यानी वेलोसिटी कुछ होगी एक बॉडी की, जब वो फिर रेस्ट में आएगी तो फाइनल वेलोसिटी
दैट मीन्स वी बिकम जीरो, सो वी इक्वल टू जीरो. इफ ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स ए एक्सेलरेशन इज जीरो. तो स्टूडेंट्स अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी ट्रैवल कर रही हो तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है. अगर बॉडी रेस्ट में हो तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो. अगर बॉडी रेस्ट में आएगी, ठीक, एक बॉडी की कुछ वेलोसिटी है फिर वो रेस्ट में आ गई तो फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो बनती है. और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उसका एक्सेलरेशन जीरो. तो स्टूडेंट्स ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए जो आपको याद रखनी है कि इनिशियल वेलोसिटी कब जीरो होती है, फाइनल वेलोसिटी कब जीरो होती है और एक्सेलरेशन कब जीरो होता है, ये मैंने आपको बोला. और स्टूडेंट्स आज हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस किया और उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी. आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा. आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वायरी होगी तो आप स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.